हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वन से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस दिस चैप्टर सो बी विद अस टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर सो लेट स्टार्ट द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बींग अ टीनेजर ये जो कहानी है ये दिखाती है कि जब आप टीनेज में जाते हो तो आपके सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड दी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप मतलब आप बढ़ रहे होते हो आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल और अदर काइंड्स के चेंजेस होते हैं आप सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो वैसा ही एक बच्चे की स्टोरी है जो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट कर रहा है हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिस प्रॉब्लम तो जो राइटर है यहाँ पर वो किस तरह से अपने इस प्रॉब्लम से ओवरकम हुए हैं उससे बाहर आए हैं सो so, देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फिट ऑकवर्ड अब ये बता रहे हैं कि जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल में वो काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ मुझे मतलब उसमें इन्होंने सहज नहीं फील किया क्यों आफ्टर लिविंग जूनियर हाई द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल दीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी कारण ये था कि ये पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे उसको छोड़ करके अब ये दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए आए तो जहाँ पे वो पढ़ते थे वहाँ पे ये एक सीनियर थे लेकिन यहाँ पर क्लासेस उससे भी ऊपर की हैं तो इनकी सारी सीनियरिटी जो थी वो पीछे छूट रही थी यहाँ पे एक ये जी जूनियर के रूप में स्टडी करेंगे अब और सारे के सारे फ्रेंड्स भी इनके और पूरे जो भी जान पहचान के टीचर्स थे जिनसे ये काफ़ी अवेयर हुआ करते थे वो सारे इनके पीछे छूट रहे थे इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन तो फ्रेशली बिल्कुल स्टार्ट करना ये अपने आप में मुझे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या थी स्कूल तो उतना ही बड़ा था जितना कि इनका पुराना स्कूल था लेकिन सबसे वर्स्ट चीज जो इनके लिए थी वो ये थी कि इनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिए गए थे सारे के सारे डिफ, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ने के लिए गए थे सेम स्कूल में नहीं थे फेल्ट वेरी आइसोलेटेड इसकी वजह से जो राइटर थे उनको बहुत ही अकेलापन महसूस होता था आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दम मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत ही मिस करता था इसलिए मैं जाता था उनसे मिलने के लिए दे वुड इनक्रेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो देट आई कुड मीट न्यू पीपल वो जो टीचर्स थे वो इनको क्या सजेशन देते थे कि जाओ जा करके स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और नए नए फ्रेंड्स बनाओ ऐसी सलाह वो सजेशंस दिया करते थे दे टोल्ड मी डेट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन और वो साथ में ये भी कहते थे कि कुछ ही दिनों में तुम उस नए स्कूल में एडजस्ट कर लोगे और वहाँ के जो लोग होंगे जो नया इन्वायरमेंट है उसको तुम पुराने वाले स्कूल से भी ज़्यादा पसंद करने लग जाओगे ऐसा उनके टीचर पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे ओल्ड स्कूल के वो समझाते थे दे मेड मी प्रोमिस दैट वेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम और वो साथ में ये भी मुझसे प्रॉमिस लेते थे कि जब मैं नए स्कूल में एडजस्ट हो जाऊँगा वहाँ पर मेरे न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे वहाँ के जो टीचर्स हैं मेरी उनसे भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी उसके बाद भी वो अपने पुराने टीचर्स को नहीं भूलेंगे वो अपने पुराने स्कूल में समय समय पर उनसे मिलने के लिए आते रहेंगे आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेंग मैं उनकी साइकोलॉजी समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इन इट नंथलेस लेकिन फिर भी मैंने उसको मतलब नंथलेस में लिया और कुछ आ, अपना कंफर्ट ढूंढना वन सैटरडे आफ्टरनून वन संडे आफ्टरनून एक दोपहर की बात है संडे का दिन था नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब इन्होंने नए स्कूल में एडमिशन लिया था कुछ ही दिन बीते थे आई वॉज सिटिंग एट होम मैं अपने घर में बैठा था एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठे हुए थे और वहीं पे कुछ होमवर्क uh, कर रहे थे इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे उस दिन थोड़ी सी ठंड थी हवाएं चल रही थी एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस हमारी जो फायर प्लेस है घर में होता ना फायर प्लेस उसमें आग जलती है तो उसमें कुछ आग भी जल रही थी एज यूजल रेड टैबी कैट वॉस ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स और हमेशा की तरह इनकी एक कैट है जो कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी पेपर रखे हुए थे उनके ऊपर लेटी हुई थी परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेट स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट्स सेक और वो अजीब अजीब से परिंग मीन्स जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी मुँह से और इनके अपने इंटरटेनमेंट के लिए इनके जो भी पेन रखे हुए थे उन सबके साथ वो खेल रही थी शी वॉज नेवर फार फ्राम मी वो बहुत ही कम उससे दूर रही है मतलब कि वो ज़्यादा इनसे दूर नहीं रही है काफ़ी अटैच रही है इनसे आई हैेस्क्यूड हर वेन शी वॉज आ किटन जब वो एक छोटी सी किटन थी जब मतलब वो बच्चा था बिल्ली का उसी समय से इन्होंने उसको रेस्क्यू किया था और तब से वो इनके पास है एंड सम हाउ शी न्यू वट आई वॉज दी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ और पता नहीं कैसे उसको ये पता है कि मैं ही उसको एक कम्फर्टेबल लाइफ देने के लिए जिम्मेदार हूँ मतलब कि राइटर हैं वो उस बिल्ली को अच्छी एक कम्फर्टेबल लाइफ दे रहे हैं वो उनके साथ सिक्योर फील करती है ये इस बात का रियलाइजेशन कैट को था माई मदर कैप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वॉम इनकी जो मदर थी बीच बीच में जब आप आग जलाते हो तो उसको सेटल करना पड़ता है तो एक आयरन की रॉड से उसको बार बार स्टोक कर रही थी मतलब कि उसको सेट कर रही थी उसमें न्यू वुड्स डाल रही थी उसी समय सडनली आई समथिंग स्ट्रेंज मुझे एक अजीब सी स्मेल आई एंड देन आई नोटिस इट फिर मैंने जब नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रो द सीम ऑफ द सीलिंग इनकी जो छत थी सीलिंग जो थी उसके ऊपर से धुआं निकल रहा था द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली और अचानक से पूरा जो कमरा था वो पूरी पूरी तरह से धुएं से भर चुका था दैट वी कुड बेयरली सी और इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि हमको वहाँ पे तो कुछ मुश्किल से ही कुछ दिखाई पड़ रहा था groping our way टू फ्रंट डोर हम सभी उस धुएं से अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए बाहर की ओर फ्रंट डोर की ओर आए वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड और बाहर आकर के हम सभी दौड़ करके घर के बाहर आ गए बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड जिस समय हम अपना घर से बाहर जाने का रास्ता बना रहे थे द होल रूफ वॉज इन गल्फ इन फ्लेम्स पूरे घर की छत में आग लग चुकी थी एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली और ये जो आग थी वो बहुत ही जोरों के साथ फैल रही थी बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी आई रन टू द नेबर्स मैं पड़ोसियों के पास गया टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट ताकि वहाँ जा कर के फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर सकूँ लोगों से मदद मांग सकूँ वाइल आई वॉस्ट माई मदर रन बैक इन टू द हाउस तभी मैंने देखा जो मेरी माँ हैं वो उस जलते हुए घर के अंदर जा रहे हैं माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरियंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जब इनकी मदर घर से बाहर फिर से दोबारा से निकलती हैं तो अपने हाथ में एक मेटल का बॉक्स लिए हुए थे छोटा सा जिसमें घर के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन और उस केस को ला करके लॉन में रख देती हैं इन अ करेज स्टेट बिल्कुल स्टेट में थी वो जब भी किसी के घर में भी आग लगी होगी या इस तरह की सिचुएशन होगी तो लोग बहुत ही डरे हुए घबराए हुए, हुए होंगे साथ ही में उनके अंदर इस चीज़ का भी चल रहा होगा कि उनका घर पूरी तरह से जल रहा है सारी चीजें जल रही हैं तो जो वो बचा सकते हैं उसको बचा सक बचाने की कोशिश करेंगे रैन बैक इं टू द हाउस उसके बाद वो दोबारा से फिर घर की ओर भागती हैं आई न्यू वॉट शी वॉस आफ्टर अब मुझे पता था कि वो क्या ढूँढने के लिए जा रही हैं माई फादर हैड डाइड मेरे पिताजी तो नहीं हैं वो तो बचपन जब भी छोटे थे वेन आई वॉज यंग जब भी छोटे थे तभी गुजर गए थे एंड आई वॉज सर्टिन दैट शी was नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड letters गो अप इन फ्लेम्स और मुझे पता था कि वो मेरे डैड के दिए हुए लेटर्स और उनकी कुछ पिक्चर्स जो बची हुई थी उन्हीं को बचाने के लिए जा रही थी उनको वो आग में जलने नहीं देना चाहती थी वर दी ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय यही कुछ चीज़ें थी उनके पास जिनके जरिए वो अपने हस्बैंड को याद कर सकती थी क्योंकि उनके पास अब उनकी यादों के रूप में वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स ही बचे हुए थे स्टिल आइसक्रीम बैठा मॉम नो लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर चिल्लाया माओ मत करो ऐसा अंदर मत जाओ आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर मैं तो उनके पीछे भागने ही वाला था वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी तभी मैंने महसूस किया किसी बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया बैक इट वॉज अ फायर मैन एक वो फायर मैन था जिसने इनको पकड़ लिया और अंदर जाने नहीं दिया आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स और मैंने अभी तक तो ये नोटिस ही नहीं किया था कि पूरी स्ट्रीट जो थी वो फायर ट्रक से भर चुकी थी मींस आग बुझ, आ, को बुझाने के लिए कई सारे लोग आ चुके थे आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स मैं उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ये लिंग चिल्ला रहा था यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर तुम नहीं समझ रहे हो मेरी माँ अंदर है ही हैड ऑन ही हैड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस उसने मुझे पकड़ रखा था और जो बाकी के फायर फाइटर्स थे वो सभी घर के अंदर जाते हैं ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड डैट इफ ही वो ही वर टू लेट let गो आई वुड रन ही was राइट right. और उन लोगों को पता था कि इस समय मैं अपने सेंस में नहीं हूँ और मैं लॉजिकली एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ और अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं घर के अंदर चला जाऊँगा इसीलिए उन्होंने सोच समझ करके इनका हाथ नहीं छोड़ा इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेट उसने कहा कोई बात नहीं ये लोग जा रहे हैं और तुम्हारी माँ को ले आएंगे ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार और उन्होंने मेरे चारों ओर से कंबल लपेट दिया और मुझे कार में बिठा दिया सून आफ्टर दैट उसी के थोड़ी ही देर बाद अ फायर मैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद फिर जो फायर मैन है वो हमारे घर से बाहर निकलते हैं विद माई मॉम इन टो और उन लोगों ने मेरी मॉम को भी अपने साथ लिया हुआ था ही क्विकली टूक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर वो लोग जल्दी से जाकर के उनको ट्रक में ले जाते हैं लिटाते हैं और साथ में उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं आई रेन ओवर एंड हक डर मैं दौड़ के जाता हूँ अपनी माँ के गले लग जाता हूँ ऑल दो टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस्ट एट द थाट ऑफ लॉसिंग हर तो अभी तक मैं जब भी उनसे गुस्सा हुआ करता था जब भी कोई मेरी बात वो नहीं मानती थी मेरे अंदर उनको लेकर के जो हेट आती थी एक पल के लिए वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से गायब हो चुकी थी और मुझे सिर्फ उनको खोने का डर ही मेरे अंदर बचा था सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ है वो ठीक हो जाएंगी सी जस्ट इन्ेल अ लिटिल स्मोक बस उन्होंने थोड़ा सा धुआं अपने अंदर इनहेल कर लिया है एंड देन ही रैन बैक to fight the fire. While my mother and I sat there, days मैं और मेरी माँ दोनों ही लोग परेशान वहाँ पे बिल्कुल आधी होश वाली अवस्था में बैठे हुए थे वो लोग मेरे घर को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे थे I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it। हम दोनों ही लोग चुपचाप से अपने घर को जलते हुए देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे फाइव आवर्स लेटर लगभग पाँच घंटे के बाद द फायर वॉज फाइनली आउट अब आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी Our हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन और हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था बट देन इट स्ट्रक me. तभी मेरे दिमाग में आया आई हैड नॉट सीन माई कैट मैंने अपनी हड़बड़ी में अपनी कैट को तो देखा ही नहीं वेयर वॉज माई कैट मेरी कैट कहाँ है मस्ट टू माई horror. और मैं ये सोच कर ही बहुत ज्यादा डर गया आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउवेयर Now, where to be found Ab main kahan se Kahazilang, Then all at once it hit me. the new school, the fire, my cat. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड एंड क्राइड अब इनके साथ एक साथ इतनी सारी घटनाएं घटी पहली बात तो इनका स्कूल पुराना स्कूल चेंज हो गया इनके सारे फ्रेंड्स और टीचर्स छूट गए एक नया स्कूल इनको मिला इनका जो घर था जिसमें वो रहते थे जिसमें वो अच्छा फील करते थे वो भी जल गया और साथ में इनकी जो कैट थी वो भी इनसे छूट गई जो कि इनको बहुत ही प्यारी थी और ये सारी बातें सोच करके ये जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम मतलब इनका ये जो समय था इसमें इन्होंने बहुत सारा आ, इन इनको बहुत सा लॉस हुआ बहुत ही बुरा समय था काफ़ी सारी चीज़ें जो इनको प्यारी थी वो इनसे छिन गई द फायर मैन वुड नॉट लेट मी गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट उस रात फायर मैन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया ये कैट को ढूंढने के लिए फिर से अंदर जाना चाहते थे लेकिन उसने अंदर नहीं जाने दिया आग बुझने के बाद भी इट वॉज स्टिल टू डेंजरस उसने कहा कि अभी भी अंदर जाना खतरे से भरा है डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि मुझे ये मन मेरे मन में था कि भले ही वो जिंदा हो या मर गई हो मुझे उसे देखना है मैं अपनी कैट को ऐसे ही छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ रिगार्डलेस आई हैड टू गो लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक एंड अ फ्यू ऑफ द फायर मैं ब्लैंकेट और हमारे पीछे कुछ कपड़े और फायर मैन की ब्लैंकेट रखी हुई थी उन्हीं के साथ मुझे वहाँ से जाना पड़ा एंड मेड आवर वे टू माई ग्रांड पेरेंट्स हाउस और ये लोग अपने ग्रांड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं हाउस टू स्पेंड द नाइट वहाँ पर जाकर के ये अपनी रात स्पेंड करते हैं द नेक्स्ट डे अगली सुबह मंडे आई वेंट टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू टू चर्च दैट मॉर्निंग but I had no shoes. अब जब सुबह के टाइम ये स्कूल जा रहे थे तो उस समय भी ये अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए थे क्योंकि जब घर में आग लगी तो उस टाइम इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं की थी और वो ऑलरेडी अपनी यूनिफॉर्म में ही थे लेकिन यूनिफॉर्म तो थी उनके पास लेकिन शूज नहीं थे आई हैड किक दम ऑफ वेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क जब ये अपना होमवर्क कर रहे थे तो इन्होंने अपने शूज उतार दिए थे दे बिकेम येट अनदर ऑफ़ दी फायर तो फायर में इनके शूज भी जल गए ये भी इनके साथ एक कैजअलिटी हुई सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट इसलिए इनको अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज उधार लेने पड़े वाई वुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल अब इनका स्कूल जाने का मन नहीं था इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं घर में क्यों नहीं रुक सकता माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट लेकिन इनकी माँ ने इनकी बात नहीं सुनी बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग इनको सर मार रही थी सारी चीज़ों के बारे में सोच करके द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुकड वियर्ड जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत ही गंदे हो चुके थे बहुत ही वियर्ड लग रहे थे आई हैड नो बुक्स इनके सारे बुक्स जल गई थी कोई बुक्स नहीं थी ना तो इनका कोई होमवर्क था एंड माई बैक पैक वॉज गॉन और इनका बैक पैक भी इनके पास नहीं था आई हैड माई लाइफ इन दैट पैक पैक बैक पैक उनकी पूरी लाइफ उस बैक पैक में थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी द मोर आई ट्राई टू फिट इन वर्स्ट इट गॉट जितना ही ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं नई चीज़ों में एडजस्ट होने की उतना ही बेकार इनके साथ होता चला जा रहा था वॉज़ आई डिस्टाइन टू बी एन आउटकास्ट एंड ग्रीक ऑल माई लाइफ अब ये सोच रहे हैं कि क्या भाग्य में ही इनके ऐसा लिखा है कि वो जहाँ भी जाएँ वहाँ से लगें कि वो कोई आउटकास्ट है मतलब उस सोसाइटी में फिट नहीं होते हैं कहीं अलग से आए हैं लाइक अ एलियन उनको फील हो रहा था तो ये सारी चीज़ें क्या ये सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक उस समय अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग समझ रहे थे सारे बच्चों में इनको ऐसा लग रहा था कि वो कहीं अलग से आए हैं आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप चेंज अवर हैव टू हैंडल लाइफ इट वॉज़ गोइंग टू बी दिस वे मैं अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहा था वो ऐसे ही गुजर रही थी आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई मैं तो बस ऐसा चाह रहा था कि मैं मर जाऊँ आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी मैं जब स्कूल में चल रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई जॉम्बी हूँ जॉम्बी आपने देखे ना मरने के बाद एक जॉम्बी किसी को काट लेता है तो वो दूसरा भी जॉम्बी बन जाता है और मरने के बाद डेड बॉडीज चलती रहती हैं तो इनको अपने आप में वो जॉम्बी की तरह फीलिंग आ रही थी एवरी थिंग फिर सरल सारी चीज़ें इनको कैसी बिल्कुल बेकार लग रही थी सब कुछ निराशा वाला लग रहा था एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन और इनको ये भी नहीं पता था कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन जितनी भी सिक्योरिटी जिनको ये जानते थे फ्रॉम माई हो ओल्ड स्कूल पुराने स्कूल माई फ्रेंड्स माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बिन राइब अवे उस सारी चीज़ें इनसे छिन गए इनका घर इनके दोस्त इनकी कैट और इनके सारे ड्रेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें इनसे अब छिन चुकी थी इनका बैक पैक वेन आई वॉक थ्रू द थ्रू वाट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे वे जब ये चल रहे थे तो वो सोच रहे थे अपने स्कूल में अपने हाउस के बारे में आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉस जब वो घर वाप, वापस अपने पुराने घर जाते हैं वहाँ पर जा कर के देखते हैं स्कूल के बाद तो वो समझते हैं कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है सारी चीजें उनकी उस घर में जल चुकी है वट एवर द वाटर एंड केमिकल जो चीजें अभी तक घर में जली नहीं थी वो पानी पड़ने से और केमिकल पड़ने से खराब हो चुकी थी दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर द ऑनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू सिर्फ जो चीज़ें इनकी नहीं जली थी वो कुछ फोटो एल्बम्स थे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो इनकी मदर ने बहुत ही ब्रेवली वहाँ से रेस्क्यू कर लिए थे बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एट फॉर हर लेकिन जब इन्होंने घर में पुराने जाकर के देखा जले हुए घर में तो इनको इनकी कैट कहीं भी दिख नहीं रही थी ना तो वो जिंदा ना वो मरी हुई किसी भी तरह से इनकी कैट वहाँ पे नहीं थी और इस वजह से इनके मन में काफ़ी पेन हो रहा था देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव लेकिन अभी इनके पास समय नहीं था पछतावा करने का माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल लिया वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव हमें एक नया घर ढूंढना था रहने के लिए आई वुड हैव टू बाई सम क्लॉथ फॉर स्कूल और मुझे भी कुछ कपड़े खरीदने थे अपने नए स्कूल में पहन के जाने के लिए वी हैड टू बोरो मनी फ्राम माई ग्रांड पेरेंट्स बिकॉज दे आर वर नो क्रेडिट कार्ड्स कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रा मनी फ्रॉम द बैंक अब इनको अपनी ग्रांड पेरेंट्स से पैसे भी बोरो करने पड़े ताकि वो सामान खरीद सकें क्योंकि इनके पास ना तो अब कोई क्रेडिट कार्ड बचा था ना ही तो कैश में पैसा बचा था और ना ही तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स बचे थे जिससे वो बैंक से पैसा निकाल सकें एवरी थिंग हैड गॉन अप इन स्मोक सारी चीज़ें उस आग में चली गई दैट वे द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर ऑफ द लॉट अब उस दिन उनका जो घर है उसमें साफ़ सफाई होती है इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई पास में ही एक अपार्टमेंट में ये लोग रेंट लेकर के वहाँ पे रहते हैं आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग दैट माई कैट वॉज समेयर टू बी फाउंड जब उसकी सफाई हो रही थी तो वो वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए इस उम्मीद के साथ कि शायद उनको उनकी कैट कहीं दिख जाए सी वॉज गॉन लेकिन वो नहीं थी आई केप थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वन वलनी रेबल लिटिल किटन मैं उसके बारे में सोच रहा था जब वो छोटी सी किटन थी तब से इन द अर्ली मॉर्निंग वेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड हर सुबह अब ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम जब वो उसको डिस्टर्ब करते थे उसको बेड से उठाते थे शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी वेरे पीछे पीछे भागती रहती थी क्लाइंब अप माई रोप एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट कभी इनकी पॉकेट में चली जाती थी टू फॉल अ स्लीप सोने के लिए आई वॉज मिसिंग हर टैरिबली और मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो इनके साथ किया करती थी खेल खेल में वो सभी इनको याद आ रही थी इट ऑलवेज सीम देट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली हमेशा ऐसा होता है कि अच्छी खबर से पहले जो बैड न्यूज़ होती हैं वो जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं एंड इन माय केस इट वाज नो डिफरेंट मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ इससे कुछ अलग नहीं हुआ एवरीवन इन हाई स्कूल इनके हाई स्कूल में जितने भी लोग थे सबको इस ट्रेजिडी के बारे में पता चल जाता है कि इनके साथ क्या हुआ है इनके घर में आग लग गई है सारी बातें सबको पता चल जाती हैं इंक्लूडिंग द टीचर्स टीचर्स को भी सारी बातें पता थी वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मेरी इस दुख भरी कहानी से सभी लोग अवेयर थे आई वॉज़ इम्बेरस्ड एज इफ समहा आई वर रिस्पॉन्सिबल मैं काफ़ी इम्बेरस्ड फील कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि इन सारी चीज़ों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अव स्कूल किस तरह से अब ये एक नए स्कूल में स्टार्ट करते दिस वॉज़ नॉट द काइंड ऑफ़ अटेंशन आई वॉज़ लुकिंग फॉर इस तरह की अटेंशन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी ऑब्वियसली बात है जब आप कहीं किसी नई जगह पर जाते हो तो वहाँ का माहौल पहले से ही आपके लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर होता है उसके बाद आप वहाँ पर अपना अच्छा इम्प्रेशन बिठाना चाहते हो आप चाहते हो आप अच्छे से आ, अप टू डेट रेडी होकर के वहाँ पर जाओ आपकी एक लुक का एक अलग अपियरेंस सामने आए साथ में आपकी पढ़ाई का एक अच्छा इंप्रेशन पड़े लेकिन इनके पास तो ना तो इनकी बुक्स थी ना ही तो इनकी यूनिफॉर्म थी ना ही तो अच्छा अपेयरेंस था सारी ही चीजें उस आग ने इनसे छीन ली फ्रेंड्स तो पुराने थे ही नहीं तो इस तरह का इम्प्रेशन इन्होंने नहीं चाहा था जिस तरह का अटेंशन इनको मिल रही है इन्होंने इनको सिंपथी नहीं चाहिए थी लेकिन अभी इनको उसी तरह का अटेंशन मिल रहा था द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजअल अगले दिन स्कूल जब ये जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे आई वॉज़ गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर मैं अपने लॉकर रूम में जा कर के अपने जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था पीपल वर मिलिंग अराउंड मी तो काफ़ी लोग मेरे आस पास थे आस्किंग मी टू हरी अप और मुझसे बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो आई थाट इट स्ट्रेंज मुझे लगा कि ये काफ़ी अजीब है बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स लेकिन पिछली जब इन्होंने पिछली लाइफ के बारे में सोचा कुछ दिनों के बारे में सोचा तो इतनी सारी स्ट्रेंज चीज़ें हुई थी तो ये अब इनके लिए आ, कुछ स्ट्रेंज नहीं था क्योंकि पहले से इनके साथ काफ़ी अजीब सी चीज़ें हो चुकी हैं नथिंग वुड सरप्राइज मी मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ इट आलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम देन आई सॉ वाई फिर वो सभी लोग इनको जिम में ले जाने की कोशिश कर रहे थे जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब इनको समझ में आता है कि आखिर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट वहाँ पे एक टेबल मेरे लिए रखी हुई थी उसमें कई सारी सामान मेरे यूज़ की उसमें रखी हुई थी जस्ट फॉर मी सभी लोगों ने मेरे लिए वो चीज़ें कलेक्ट की थी दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज मेरे लिए एक कलेक्शन की तरह एक काफ़ी स्कूल सप्लाइज जैसे कि नोटबुक्स ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स अलग अलग तरह के जो क्लॉथ्स थे जीन्स टॉप स्वेट स्वेट सूट्स इट वॉज लाइक अ क्रिसमस जैसे कि क्रिसमस में बच्चों को प्राइज गिफ्ट uh, दिए जाते हैं सेंटा क्लॉज आता है कई सारे गिफ्ट देता है बिल्कुल क्रिसमस की तरह स्कूल के सारे बच्चों ने मिल कर के इनके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज की थी इनके लिए सारे नए बुक्स नई किताबें नए, किताबे, नए बैग सारी चीज़ें बच्चों ने अरेंज की थी जो इनके लिए नेसेसरी थी आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन मैं इस इमोशन से ओवरकम होने की कोशिश कर रहा था पीपल वू हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देम सेल्फ वो लोग जिन्होंने अभी तक इनसे बात तक नहीं की थी वो लोग आगे आकर के इनसे अपना इंट्रोडक्शन कर रहे थे और सभी लोग इनसे फ्रेंडशिप कर रहे थे आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस सभी ने मुझे अपने अपने घर में इन्वाइट किया देयर जैन आउट पॉरिंग ऑफ कंसर्न सभी लोग जेनवनली मेरे लिए कंसर्न थे सभी मेरी फिक्र कर रहे थे रियली ट्ड में इस बात से मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा टस्ड हो गया जितना भी इनके अंदर दुख था वो सब एकदम से गायब हो गया और इनको यहाँ से होप नजर आने लगी इन दैट इंस्टेंट उसी के बाद से आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ इनको काफ़ी सुकून महसूस हुआ एंड थाट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वू आर गोइंग टू बी ओके और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में चीज़ें सुधर रही हैं आई मेड फ्रेंड्स दैट डे उस दिन मेरे कई सारे दोस्त भी बन गए अ मंथ लेटर लगभग एक महीने के बाद आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रेगुलर इट जब मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था देख रहा था मेरा घर जो जल गया था उसको दोबारा से बनाया जा रहा है बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट आई वॉज नॉट अलोन और चीज़ें थोड़ा सा अलग थी मैं वहाँ पे अकेला नहीं था आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल स्कूल के इनके दो नए दोस्त भी इनके साथ थे इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन टू ऑल द न्यू वंडरफुल पीपल अराउंड मी आग की वजह से ही इन्होंने अपनी पुरानी पास्ट लाइफ को छोड़ करके नई चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया था उसने आग ने ही इनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो नई चीज़ों में मिंगल हो सके नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड वेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग जब ये अपने घर में चीज़ों को बनते हुए देख रहे थे तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इनकी लाइफ में भी तो ऐसा ही हो रहा है पहले इनकी लाइफ में सारी चीज़ें इनकी सारी पुरानी चीज़ें बिखर गई और अब नए तरीके से सारी चीजें बन रही हैं मतलब नई फ्रेंडशिप हो रही है नई चीजें हो रही हैं तो वैसे ही जैसे ये घर बन रहा है वाई वी सेट देयर ऑन द कप जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे कप मतलब वहीं एक आप ये कह सकते हो बाउंड्री सी थी या जब उतरा था उस पर जब वो बैठे हुए थे प्लानिंग माई न्यू बेडरूम अपने नए बेडरूम के बारे में प्लान कर रहे थे कि किस तरह का उसको डेकोरेट करना है आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से तभी मैंने सुना कि मेरे पीछे से कोई आया और उसने मुझसे कहा डज दिस बिलोंग टू यू क्या ये तुम्हारी है वेन आई टर्न अराउंड टू सी वो इट वॉस जब मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि वो कौन है आई कुड नॉट बिलीव माई आइस तो मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ अब वुमेन वॉस स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट वहाँ पे एक महिला एक औरत खड़ी हुई थी जो कि अपने हाथों में मेरी कैट लिए हुई थी आई लेप्ट अप एंड ग्रैप्ड हर आउट ऑफ द वुमेन साम मैं उछल गया और उसको तुरंत ही उस वुमेन के हाथ से छीन लिया आई हैड और अपनी कैट को पकड़ लिया क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटिफुल ऑरेंज फर उसके जो ऑरेंज कलर के फर थे उसके ऊपर हाथ फेरा सी पर्ड हैपीली वो भी बहुत खुश थी खुशी से आवाज़ निकाल रही थी माई फ्रेंड वर हगिंग मी मेरे फ्रेंड्स भी मुझे हग कर रहे थे हगिंग द कैट एंड जम्पिंग ग्राउंड सभी लोग खुशी से उछल रहे थे अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाई द फायर दैट शी रन ओवर अ माइल अवे वो जो इनकी कैट थी वो आग के डर से इतना डर गई थी कि वो काफ़ी दूर भाग गई थी हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट उसकी कॉलर पे हमारा फोन नंबर लिखा हुआ था बट आवर फोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड लेकिन हमारा जो फ़ोन था वो डिस्ट्रॉयड हो चुका था डिसकनेक्टेड हो चुका था दिस वंडरफुल वुमेन टेक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट वू स्कैट इट वॉस और ये जो महिला थी ये बहुत ही अच्छी थी इन्होंने पूरी कोशिश की ये ढूंढने की कि ये बिल्ली किसको बिलोंग करती है उसके पास उसको वापस भेजने की सम हाउस न्यू दिस केट वॉस लव्ड एंड श्योरली मिस्ट पता नहीं किसी तरह उनको ये पता चल गया कि ये जो कैट है इसको कोई बहुत ही केयर करता है और उसको मिस कर रहा होगा एज आई सैड there with विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल अप इन माई लैप ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम टू डेमिनिश अब जब ये बैठे हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कैट को लिए हुए तो सारी की सारी लॉस की जो फीलिंग थी ट्रेजिडी की जो फीलिंग्स थी जो इनके साथ लाइफ में हुई बैड थिंग्स उसके बारे में सारी की सारी गायब हो चुकी थी आई फेल ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ मुझे अपनी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा फील हो रहा था न्यू फ्रेंड्स द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर एंड लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई मेरी कैट जो थी वो वापस आ चुकी थी और मैं भी अब खुश था अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ चुका था जैन गोडी गोडियोसो द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन्स और एनी सेंटेंस यू कैन टेक्स्ट मी कमेंट मी एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग